because, oh, come on, sweetheart. तुम इस बच्चे को मार देना चाहते हो? Are you? तुम डॉक्टर हो ना? वो बच्चा नहीं है इस समय. For God's sake, it's not even the size of a seed. तुम्हें क्या लगता है? बच्चा हो जाने के बाद life is gonna be the same, हाँ? सब कुछ बदल जाता है जब बच्चे होते हैं, समझी? सब ठीक होगा, तुम हम शादी करेंगे. और तुम्हारी डॉक्टरी का क्या? वो कैसे करोगी? एक हाथ में किताब और एक हाथ में बच्चा लेके तुम कॉलेज आओगी? We'll manage it together. Kusum, my love, you're not thinking this through. तुम कुछ लोगों को गलत प्रूफ करना चाहती थी ना? वो लोग जो लड़कियों को मेडिकल सीट देना एक गलती समझते हैं, समझते हैं कि लड़कियां शादी करती हैं और फिर डिग्री फेंक देती हैं. And what about your mother? उनका क्या? मॉम, आप एक काम करो, अपने सपने भूल जाओ. Because now suddenly I have new dreams. हमारी circumstances अब different है रणबीर. कुछ different नहीं है कुसुम, मेरे सपने हैं. मुझे लंदन जाना है, प्रैक्टिस करना है वहां पर. कुसुम, मेरे सपनों में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन एक बच्चे के लिए नहीं है. We can't have kids. बाद में. बाद में. तुम्हारी पढ़ाई को भी 4 साल बाकी है ना, और मुझे भी लंदन जाना है, स्ट्रगल करनी है, एस्टैब्लिश होना है. जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मेरे पास आ जाओगी. We'll work together in London. एक secured, bright future होगा हमारा. एक प्यारा सा घर होगा. We'll be so happy. और उस प्यारे से घर में एक प्यारा सा बेबी. मुझे तो हमेशा से एक लड़की चाहिए थी. Just like you. अपने सारे वरीज और स्ट्रेस को अलविदा कहने के लिए मुझे एक आखिरी पड़ाव पार करना था. Thankfully, I knew a fool who could do it in a blink of an eye. Ah, things we do for love. गांव में काफी सतर्क रहना, पूरा आधा अरुणाचल पूरा करो. रतन, सुनो, कुछ बात करनी है. रतन, हमें तुमसे कुछ कहना है. तुम फिर इसके साथ? What's going on? Buddy, please, that's not important here. सुन, I just ये जान ली कि it just happened, okay? बस हो गया हूँ. What happened? तुमने पहले भी शर्मिला के साथ हेल्प की थी, you know. I need your help. अच्छे घर की लड़के को यूज करता है ये. He has no fucking respect. Stop it, brother, stop it. Bodyguard नहीं हो, friend हो मेरे. Stop it. We need your help, Ratan. सुन, ये सही रास्ता है. Just fucking shut up. कुछ सही नहीं है. सब सही है. One day we're gonna get married और सब ठीक हो जाएगा. हमने सब plan. Married? खूब भालो. ये करेगा तुमसे शादी? हाँ. और मैं और रणबीर, we'll go to London together and we'll make a life, Ratan. और माशिमा, वो जाने तुम्हारे लंदन वाला प्लान? हाँ? तेरे बिना नहीं हो सकता यार. I can't do this alone. Please, please. तो तू क्या चाहता है? कि मैं कुसुम का अबॉर्शन करूं? What were you thinking, Kusum? Tan, Tan, please, please, देखो मेरी तरफ, please. Time और जगह बता देना. हमें पूछते पाड़ी ना कि ऐसा क्या है ग्रुप स्टडीज में जो रात को तुम्हें उधर रहना है. माँ, तुम्हें पूछ भी ना.
माँ, जब बाबा आपको छोड़कर चले गए थे एंड यू वर प्रेग्नेंट विद मी, आपके मन में क्या चल रहा था? तुझे पहली बार देखा, छोटी सी, एंड आई फेल इन लव विथ यू माई बेबी. जैसा कि मैंने कहा था, मेरा कन्विंसिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है. और कुसुम, यू हैव टू बोथ द फीट दिस राइट वे. डू अंडरस्टैंड? रणबीर आता ही होगा. कुसुम, अब और वेट नहीं कर सकते. 5-10 मिनट और. Please. ठीक है. कॉलेज का लास्ट दिन है और फिर हॉस्टल भी बंद हो जाएगा. इसके बाद तुम्हें बहुत आराम की जरूरत होगी. प्लीज ऐसा रिस्क मत लो, तुम्हें घर भी जाना है. रणबीर के बिना मैं हूं ना. शुभो है, विल टेक केयर. कुसुम कुसुम कुसुम, क्या कर रही हो यार? कहां उम्मीद लगाए बैठी हो? वो फेरी टेल जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी, दैट वाज अ जोक बेबी. असली लाइफ में प्रिंस चार्मिंग्स लड़कियों की इसी उम्मीद से दूर भागते हैं. पर तुम, आई थॉट यू वर इंटेलिजेंट. So you know what? उम्मीद और सपने की दुनिया से बाहर आओ, वरना ये तुम्हें अंधेरे में खींच लेगी. और उस अंधेरे में तुम्हें ये रियलाइज होगा कि पहला प्यार होता ही दिल तोड़ने के लिए. रणबीर, is it over? सब ठीक हो गया. अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है. वो क्यों नहीं है यहाँ? आया था, अभी अभी गया है. कुसुम, सो जाओ. यू नीड टू टेक रेस्ट. रणबीर आ जाएगा, मैं ले आऊंगा उसे. तुम प्लीज आराम करो. अभी अभी सर्जरी हुई है, प्लीज स्टिचेस हिल जाएंगे. इस वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र है. एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर वेयर दैट इररिस्पॉन्सिबल पीस ऑफ शिट इज. उसने जरूरी नहीं समझा. वो शर्मिला के लिए था, खुद के बच्चे के लिए. कुसुम देखो. कुसुम, कुसुम रणबीर के पास अभी ले चलो. रोना बर्बन, आई एम ऑलरेडी लेट डैड. अभी से जा रहे हो? 4 घंटे बाकी है अभी फ्लाइट में. लंदन की अगली फ्लाइट 4 दिन तक नहीं है. एंड कैलकटा ट्रैफिक, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क. पर इतनी जल्दी की जरूरत क्या है बाबा? कम हो, सेमेस्टर शुरू होने में 1 महीना बाकी है. अभी टिकट्स बुक हो चुकी हैं. ठीक है, तो मैं फिर से करा लूंगा. रोनो डार्लिंग, चल माँ बाबा के साथ एक मिनी हॉलीडे स्पेंड करने लंदन जाने से पहले. बाबा, मैं अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ. आई वांट लुक टू माय फ्यूचर. और वो घर जो पता नहीं हमारा है भी है नहीं, उसके लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? किस चीज से भाग रहा है रोनो? किसी नई चीज की तरफ भाग रहा हूँ बाबा. मेरी नई लाइफ मेरा वेट कर रही है. अच्छा ठीक है, एक ड्रिंक लेगा अपने बाबा के साथ? Of course, Papa. One last drink before I leave. Last drink. कभी सोचा है लंदन में पढ़ाई करके क्या होगा? यहाँ देश में डॉक्टर्स की इतनी जरूरत है, अपने लोगों का इलाज नहीं करोगे? बाबा, वहाँ की लाइफ डिफरेंट है. यहाँ से सीखकर वहाँ जाकर अंग्रेजों की गुलामी करोगे? पता है, माँ आपके बारे में सही बोलती है. आप किसी अलग एरा में फंसे हुए हो. आजादी मिले को 15 साल हो चुके हैं. प्रायोरिटीज, चेंज योर प्रायोरिटीज. रोनो, मेरी प्रायोरिटीज तो हमेशा तुम्हारी माँ में है. हम दोनों ने अपने डिफरेंसेस बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिए थे.
तुम शायद जानते नहीं लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। Oh, good for you. ये जो किसी और की जिंदगी को अपनी लाइफ का मिशन बनाने की आदत है ना, लुक एट मी, आई कांट डू इट। अभी देख नहीं रहा तुम्हें रोनो, शायद मैं ही तुम्हें नहीं सिखा पाया, बट लाइफ विल टीच यू कि लाइफ में किसकी कितनी अहमियत है। एक हार्ट ब्रेक, एक बैड न्यूज, एक बार लाइफ में लॉस ऑफ कंट्रोल सिखा देगा तुम्हें। जीवन इधर का उधर हो जाता है रोनो, जीवन एटा संग्राम, बट लाइफ विल टीच यू वेर आई फेल्ड। आशीष तो पापा डराओ मत। डरा नहीं रहा हूं रोनो, सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा जब हम ये ड्रिंक एक साथ में पियेंगे। Cheers to that. I've been walking aimlessly, you found me, you set me free, found it hard to breathe, until you came back for me, and now we're here, don't disappear, and I've let go of all I had, you held me close. And you said. So Kusum, my darling, तुम्हारा नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो भाग रहा था, उसे तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त ही कहां था। आई डोंट नो कि तुम्हारे दिल में उस वक्त क्या हुआ होगा, बट आई एम अ लिटिल क्यूरियस, इज इट रियली पेनफुल, लाइक फिजिकल? दिल के टूटने की आवाज आती है क्या? मैंने अभी सीखा नहीं था, पर तुम्हारे लिए तो उस दिन दो मौतें हुई, एक जिंदगी जो तुम्हारे अंदर पल रही थी और एक जिसके नाम तुमने अपना दिल कर दिया था। All was lost for you, Kusum. मैंने तुम्हारा दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। और टैक्सी में बैठते ही कैसा लगा मुझे? अफसोस? नहीं, गिल्ट? एब्सोल्युटली नॉट। रिलीफ? जल्दी चलो ना दादा। यस, मेरी लंदन की फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं अपना सफर शुरू कर चुका था, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, आई वाज फ्री, लंदन मेरा इंतजार कर रहा था। कुसुम बेबी, तुम्हारी बेवकूफी तुम्हारी प्रॉब्लम थी यार, तुमने तो अपनी माँ से भी कुछ नहीं सीखा। आई विश कि तुम सीख पाती तो इस वक्त ऐसे टूट नहीं जाती।